बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल फ्रंट और मैं हूं उसामा तेर। नाज़रीन, आज सिंध असम्बली में जो हंगामा आराई हुई, जो मछली मंडी का मंदर पेश हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ टेक्सास के हाई स्कूल में खून की होली खेली गई, नौजवान की फायरिंग से उस्ताद और 9 तालिब इलम जान की बाजी हार गए। इस वाक़े में पाकिस्तानी तालबा सबीका शेख भी जहाँ भाग हुई हैं। बहुत ही अफसोस और मजम्मत है इस हमले की। और उसके साथ साथ जो है इस पर हम बात करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, शाहिद तकान अब्बासी खुर्शीद शाह के दरमियान मुशावरत, और नवाज़ और मरीम को सवालनामे का जवाब देने के लिए मोहलत दे दी गई है। ये हमारा आज के एजेंडा होगा, इस पर हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। सेनेटर कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं। आगा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह खावर साहब मुमताज़ माहिर कानून इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं। शाह खावर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। मुजाहिद बरेलवी साहब सिंध तहरीक-ए-कार कराची वीडियो लिंक के जरिए अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शाह रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्या जो है वो वाकया पेश आया, पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, वो देखिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। मैंने बिल्कुल हजम, जब आप चीख रख रही थी, मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूं, ये आप बंद करें ड्रामेबाजी प्लीज। जी मैं वार्निंग दे रही हूं आपको, मैं आपको वार्निंग दे रही हूं कि आप तशरीफ रखें, मैं आपको वार्निंग दे रही हूं कि तशरीफ रखिए, मैं वार्निंग दे रही हूं तशरीफ रखें, वरना मैं इस हाउस के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए सार्जेंट एट आर्म को जहमत दूंगी। मैं जहमत देती हूं आपको कि इन्हें आउट कर दें। ये जूते दिखाए जा रहे, आप पलट के देखिए, आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही हैं, आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही हैं। क्या मतलब है आपका, ये क्या मतलब है कि जूते दिखाए जाए इस सहवान में, ये जूते दिखा रही है, ये देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आप लोग को क्या ये तमीज होती है पार्लियामेंटेरियंस की कि जूता दिखाया जा रहा है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, नहीं कोई तरीका नहीं है कि जूते नहीं है कि जूते। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, अब जेब देते हैं इस तरह से जो है वो जूता दिखाना एक मेंबर सूबाई असेंबली को, फिर आपने ये भी कहा है कि आज जूता दिखाया है कल मार दूंगी, और फिर ये कहती है कि किसी के बाप का ऐवान, किसी का बाप भी ऐवान से नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 साल अवाम के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है कुछ नहीं किया होगा, लेकिन इस तरह से ये रवैया मुनासिब है? हेलो जी नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं कुछ सुन सकी हूँ आप? जी मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये मुनासिब है रवैया इस तरह से जूते दिखाना असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके? देखिए जी, मेरे ख्याल में जितना हमें एहतराम है इस असेंबली का, शायद किसी और को नहीं होगा, क्योंकि मेरा दूसरा टेन्योर है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि इसी ऐवान में इससे पहले कितनी बार खवातीन की बेइज्जती की गई, खवातीन के लिए इस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इससे पहले पीपल्स पार्टी के एक वजीर ने मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आखिर उसकी लीडरशिप ने उसका नोटिस लिया और उसको माफी लेनी पड़ी, लेकिन तब लेनी पड़ी जब मीडिया ने और सोशल मीडिया ने उस चीज को कंडेम किया। उसके बाद आज फिर देखिए जी, असेंबली है, हम ऑपोजिशन है, हमारा काम है जो कारकर्दगी उन्होंने 10 सालों दिखाई है, 11 साल में उन्होंने जो काम किए हैं नहीं किए हैं उस पर तनकीद करना हमारा जायज हक है, और हमने की 11वां बजट पेश किया और सिंध की जो हालत है उसके हिसाब से तो हम उनको आईना दिखाएंगे। अब आप एक एज अ मिनिस्टर वहां से जवाब दे रहे हैं तो आप भाई अपनी कारकर्दगी बताएं, तरदीद करें कि गलत कह रहे हैं हम, आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर से अपने दलाल दें। आपको और कोई बस नहीं चलता तो आप ऊपर हमारे कैरेक्टर पर आ जाएंगे, हमारी शर्म निकालेंगे, हमारी हया निकालेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है ये जूता दिखाना आज, इसलिए बहुत जरूरी था कि आइंदा आने वाली उसामा जो बच्चियां हैं हमारी जो असेंबली में आए, कम से कम उसका एहतराम हो, उनकी इज्जत की जाए, वरना इस हद तक अगर ये चीज थी इससे पहले इनके एक मिनिस्टर ने अब्बासी साहब क्या कहा ऐसा कि जिसकी वजह से आप इतना सीख पाए हैं, और आप ये कह रही हैं कि करेक्टर पर बात की जा रही है, शर्म और हया की बात की जा रही है, आपसे क्या कहा शैला रजा साहिबा ने? शैला रजा साहिबा तो हमेशा पूरी असेंबली में जब इस सीट पर बैठी हैं, वो एक डिप्टी स्पीकर का किरदार उन्होंने नहीं निभाया, वो हमेशा पार्टी बन जाती हैं, वो ये नहीं देखती कि मैं सीट के हिसाब से बैठकर मुझे न्यूट्रल बनके इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है, वो हमेशा इमोशनल होकर बिल्कुल अपने राइट साइड वाले जितने भी
अपने पार्टी वाले उनको सपोर्ट करेंगी, उनकी साथ देती हैं, और हम जायज हक पर भी हो तो हम कहती नहीं आप गलत हैं। और यही हुआ, उन्होंने इसी तरह किया और अपनी खवातीन को उकसाकर मेरी तरफ भेजा जिन्होंने आकर मुझ पर हमला किया और उन्होंने मुझे गालियां दी। तो ये तरीका होता है कि स्पीकर का, उनका काम है कि वो माहौल को संभालें और दोनों तरफ की बात सुने, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी यही हुआ कि वो हमेशा ही हम पर जुमले कसती रही, हमें ही बुरा भला कहती रही, जैसे आज हुआ, उन्होंने आज भी यही किया। उन्हीं की वजह से माहौल खराब होता है, वरना आगा सिराज दुरानी भी तो होते हैं, वो भी तो इजलास चलाते हैं, उनके होते हुए तो गड़बड़ नहीं होती। अब आपने इससे बढ़ के बात कर दी है, आपने कहे कि आज जूता दिखाया है कल जूता दे मारूंगी। बिल्कुल जी, मैं आपके चैनल पर कह रही हूँ कि अब अगर किसी मर्द ने किसी खातून की बेइज्जती की, उसके लिए गलत जुमले इस्तेमाल किए, उसको इंसल्ट करने की कोशिश की, क्या हम खवातीन खानदान वाली नहीं है? हमारे माँ बेटे जवान भाई शौहर नहीं है जो हम लोग इस तरह की बेइज्जतियां बर्दाश्त करते फिरे? तो अब नहीं बर्दाश्त करेंगे जी। किसी ने अब कहकर तो देखे, ये जूता सर पे नहीं मारा, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये तारीख रकम करूंगी कि अब किसी ने किसी भी खातून किसी की बेइज्जती की, उसके खिलाफ गलत लफ्ज इस्तेमाल किए, तो वो जूता खाएगा। शर्मिला साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी है, क्या मौकिफ है आपका इस सारी बात पे? वो ये कह रही हैं कि उनका मौकिफ आपने सुन लिया है, उनका कहना ये है कि खवातीन को आपने भेजा, उन्होंने गालियां दी, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। शर्मिला साहिबा, बहुत ही खुशी की बात ये है कि जब असेंबली का सेशन होता है तो वो ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और मैं समझती हूँ कि आज बहुत ही शर्म का मुकाम है इनको, अगर ये घर में इनके कोई इनको बड़ा कोई रोकने टोकने वाला हो और इनको समझाने वाला हो, क्योंकि जब से सेशन शुरू हुआ था तो एक कोड ऑफ, मुझसे थोड़ी हुआ है इनका झगड़ा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय हुआ था कि लीडरशिप को नहीं कुछ कहा जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन ने ना सिर्फ लीडरशिप बल्कि सेकंड लीडरशिप खवातीन तक को, फरियाल साहिबा को खास तौर पर निशाना बनाया, और गवर्नमेंट इसको सुनती रही, हम देखते रहे। जाहिर है कि अगर मिनिस्टर्स अपने तौर पर अपने लोगों को खामोश करा रहे हैं, तो परसों जब हीर सोहो साहिबा ने स्पीच की तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि फंक्शनल लीग भी गवर्नमेंट है और इनके दो मिनिस्टर्स के नाम लिए, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये वर्बेटम भी निकलवाया जा सकता है जो रिटर्न फॉर्म में होता है, और ऑडियो भी, और भी तो इनके मेंबर बैठे हैं, ये तो बिल्कुल उस वक्त भी आपे से बाहर हो गई, इतना चीखी कि इन्होंने लोगों की स्पीच मुश्किल कर दी। उससे पहले मंजूर वसान ने स्पीच की तो उन्होंने बताई बात, कुछ उस पर ये खड़े होके चीखती रही, जब भी कुछ नहीं हुआ। आज इन्होंने मुसलसल जब जुमलेबाजी कर रही थी तो मैंने भी खवातीन से कहा कि आप लोग भी जुमलों में जवाब दे सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद स्पीच शुरू हुई, मिनिस्टर साहब स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की एक साहिबा हैं, उनको मीडिया प्लेइंग का बहुत शौक है और अपने आप को वो मीडिया में देखना चाहती हैं, वो हर काम मीडिया के लिए करती हैं, इनका नाम भी नहीं लिया था। इन्होंने चीखना शुरू कर दिया और ऑन रिकॉर्ड है, मैंने आज कहा भी है सेक्रेटरी से कि इन सबको आज की वीडियो जो है सीडी दीजिए, और तो मैंने फिर भी उनको कहा कि आप पर्सनलाइज ना हो, तो वो फिर आगे स्पीच करना शुरू हो गए, ना इन्होंने सुना ना किसी ने सुना, क्योंकि ये तो चीखती हैं तो फिर आंखें बंद करके चीखती हैं। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा स्पीच खत्म हुई होगी तो इजहारुल हसन साहब उठ गए और उन्होंने कहा कि खातून को इस तरह कह दिया। मैंने कहा देखिए इजहार साहब, मैंने कहा था कि पर्सनलाइज ना हो और उन्हें टोक दिया था, आपने सुना नहीं क्योंकि ये चीख रही थी। तो उससे उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन इतनी देर तक इन्होंने जूता निकाल लिया था मिनिस्टर को दिखाने के लिए, और इनके साथ सोरट थे वो साहिबा ने भी जूता निकाला और मैं मना करती रही इनको, दूसरी तरफ से औरतें इनको समझाने आई। लेकिन अब्बासी साहिबा कह रही है कि करेक्टर पर बातें की गई है, शर्म हया की बात जो है वो की गई है, आपने खवातीन को भेज दिया कि खवातीन जो है वो जाए इनकी तरफ, ये झूठ बोलती हैं। इनके मेल्स ने माफी मांगी है, इनके लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द पार्टी जो हैं, उन्होंने कहा है कि आज जो कुछ हुआ मुझे अफसोस है, वो औरतें इनको रोकने गई थी, ये पहले भी आपे से बाहर हो गई थी और पहले भी इन्होंने लेडीज कार्ड इस्तेमाल किया था, और चैम्बर एक मुकद्दस जगह है जहां पर हम अपने थोड़ा सा लम्हा आप दोनों की ओर से होंगे, जी 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 कंप्लीट कर लें। हाँ, जहां हम अपने डिप्लोमेट्स वगैरह को बुलाते हैं तो हमें इज्जत के साथ कहते हैं कि थैंक यू आपने हमें चैम्बर में बुलाया,
इससे पहले भी इन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए थे जो कंसर्न नहीं थे, तो उससे मिनिस्टर ने कहा था कि चैम्बर में आ, इसको भी इन्होंने एक लेडीज कार्ड प्ले किया था और जाहिर है कि जो ऐवान से बाहर हैं वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, पार्टी ने भी एक्शन ले लिया। उस वक्त भी खवातीन ने कहा था कि किसी तरह इनसे पीछा छुड़ाओ और इनको चादर वा, लेकिन हर वक्त ये करना मैं नहीं समझती। आज इनकी पूरी पार्टी ने, इनके मर्दों ने माफी मांगी है और लोगों को अफसोस ऐसा हुआ, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से ये प्ले कर रही हैं इस वक्त भी ये गलत कर रही है। सही है, मुझे चंद मिनट और चाहिए होंगे। आगा साहब, कामल अली आगा साहब यहाँ पर मौजूद। आगा साहब, दो दिन पहले जो पंजाब असेंबली के अंदर सूरत हाल हमने देखी और आज सिंध असेंबली की सूरत हाल, दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ हैं, अब आपने गुफ्तगू सुनी है, क्या कहेंगे, ये किस तरफ रिवायात जा रही है हमारी सियासी? बड़ी अफसोसनाक बात है जी। मैं समझता हूँ कि असेंबली का टेन्योर पूरा होने जा रहा है और इस मौका के ऊपर ये तासर कायम होना कि मेम्बरान असेंबली जो हैं वो असेंबली के अंदर बैठ के अवाम की बात नहीं करते और आपस की जो इस किस्म की लड़ाई है और उसके अंदर उलझे रहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पंजाब असेंबली में भी जो कल हुआ वो उसमें मैंने बगौर जायजा लिया जी। मामला तो मैं तीन मरतबा असेंबली का मेंबर रहा हूँ, मैंने देखा है कि जो स्पीकर होता है वो हाउस का कस्टोडियन होता है और उसका काम जो है वो सबको सुनना और सबको मैं समझता हूँ कि पेसिफाई करना जो है वो स्पीकर का काम होता है। और ये बात जो है ये इंतहाई काबिले अफसोस है कि पंजाब असेंबली के अंदर एक अच्छा स्पीकर समझा जाता था लेकिन उन्होंने भी जब पार्टिज्म शुरू कर दिया, जब एक साइड को अहमियत ज़्यादा देनी और दूसरी साइड को स्नब करना और फिर छोटी अपोजिशन, यही शिकवा जो है वो अब्बासी साहिबा ने किया है कि शलजा साहिबा जो है वो पार्टी बन जाती हैं। छोटी अपोजिशन, देखें छोटी अपोजिशन पंजाब के अंदर बहुत छोटी अपोजिशन है, सिंध के अंदर भी बहुत छोटी अपोजिशन है और छोटी अपोजिशन को पेसिफाई ना करना और उसको ना सुनना, छोटी छोटी बातें होती हैं। देखें अपोजिशन का काम है तनकीद करना, वो ऊंची आवाज में भी बोलते हैं, वो तनकीद की हदें जो है वो भी फलांग जाते हैं, लेकिन ये जूता दिखाने वाली बात तो एक हद हो गई ना। ये मैं नहीं समझता कि ये ऑपोजिशन की तरफ से ये कुछ होना चाहिए, लेकिन जब किसी को आप बेबस कर दें और उसको इतना स्नब करने की कोशिश करें कि वो अपनी वो जो इखलाकियात जो है वो भूलने पे मजबूर हो जाए, तो ये कसूर भी मैं समझता हूँ कि जो चेयर कर रहा होता है ठीक है, आप कह रहे हैं कि शलजा साहब को जो है वो काबू करना चाहिए कि वो सुन ले, दो मिनट सुनने में क्या हर्ज होता है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसमें आपसे पूछूंगा मैं ये वाली बात, लेकिन नुसरत साहब बन जाता है या जुर्म बन जाता है। नुसरत साहब अब्बासी साहिबा, शलजा साहब कह रही है कि आप झूठ बोल रही है, आपने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पर क्लिप मौजूद होता है, फर्क नहीं पड़ता जी। आप बोलती रहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन जो चीजें सब दुनिया देखती है और जो चीजें वहां पर हुई उसके बहुत लोग शाहिद हैं कि क्या कुछ हुआ था। इन्होंने पहले भी यही किया था कि इनका पूरा वो रिकॉर्ड चला था मीडिया पर कि जब इमदाद कताफी ने मेरे लिए जिस तरह के जुमले बोले थे तो ये हंस रही थी, कह के लगा रही थी, जबकि इनका काम था कि वो खातून, जिस भी खातून की, लेकिन वो कह रही है क्लिप मौजूद है, वो शलजा साहिबा कह रही है क्लिप मौजूद है जिसके अंदर सारी कार्रवाई देखी जा सकती है, पूरी वीडियो मौजूद है, सबको पता है, मेरे पास भी वीडियो पड़ी हुई है, मेरे पास भी वीडियो पड़ी है, वहाँ पर सिर्फ इनके लोग थोड़ी बैठे हुए थे या रिकॉर्ड का हिस्सा थोड़ी होता है, हर चीज हर किसी के पास पहुँच जाती है, मेरे पास भी पहुँचा है। और इनकी जो शलजा साहिबा क्या कहेंगी, मैं ये कहूंगी कि ये पहले मैं कामिल अली आगा को रिप्लाई कर दूं जी, 35 मिनट की इन्होंने स्पीच की है, फिर भी इनका दिल नहीं भरा, इनको कोई नहीं रोका गया, जब इन्होंने स्पीच खत्म कर दी खुद ही बैठ गए। अब अगर आप स्पीच कर चुकी हैं, आपने जो कुछ कहना था वो कह चुकी, वो स्पीच भी रिकॉर्ड सुनवाई जा सकती है कि क्या उसका स्टैंडर्ड था। उसके बाद जब आपकी स्पीच में कोई नहीं बोला तो एज स्पीकर मेरा भी काम है हाउस मेंटेन रखूं, जब दूसरा कोई स्पीच करे तो इन्हें नहीं बोलने, लेकिन चूंकि इनका इतनी आवाज बड़ी है कि पूरा हाउस
परेशान हैं, इनसे इनके अपने लोग परेशान हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि जब पहले भी चैम्बर वाला वाक्य हुआ था, ये उसके बाद पूरा दिन हाउस में रही थी, इन्होंने पूरी चीज में पार्टिसिपेट किया था। दो दिन एक दिन बाद इनको एहसास हुआ था जब टीवी ने उठा लेकिन लिया। शैलरा साहिबा, इस तरह से तो ये मामला बहुत बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब्बासी साहिबा कह रही हैं कि वो जूता जो है वो इस दफा मारेंगी, सर में मारेंगी, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर आवाम जो है उसके लिए क्या मेयार रह जाएगा। पहली बात तो ये कि इनका झगड़ा मुझसे था भी नहीं, और वैसे कोई एक मेंबर बता दे जिनसे इनका झगड़ा नहीं होता। और मैं ये आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ कि ये आज बिला वजह बोली, मेंबर ने इनका नाम भी नहीं लिया था। ये तो लोगों को नाम ले लेके स्पीच करती हैं, लोगों की लीडरशिप को नहीं छोड़ती हैं। अब्बासी साहिबा, शैला आपा कह रही है कि आप बिला वजह जो है वो तंग करती हैं सबको। मेरी बात सुन ले जी उसामा, आप मुझसे जवाब लें तो सही, आप मुझसे सवाल करके आप उस तरफ चले जाते हैं, मुसलसल उनको सुन रहे हैं। जी जी मैं सुन रहा हूँ, जवाब दूंगी ना। मेरी बात सुन ले, ये जो सोशल बिहेवियर है खवातीन के खिलाफ, के खवातीन की रेप वगैरह होता है, ये पूरे पाकिस्तान में है, हम इस पर सियासत नहीं करते। लेकिन जब इन्होंने अपनी तकरीर में कुछ नाम लिए, रिंकल और ये वो, तो उस पर भी इन्होंने स्पीच में कहा कि सूबे में ये वाकयात हो रहे हैं और फिर कहते हैं जिंदा है भुट्टो। मतलब आप इनके स्टैंडर्ड देखें। ठीक है, आपने कहा कि आपने जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट तय कर दिया था कि किसी भी लीडर के बारे में बात नहीं करनी। अच्छा अब्बासी साहब, आप बताइए क्या कह रही थी। उसामा, आप मेरी तरफ आएंगे तो मैं आपको जवाब दूंगी। प्लीज मुसलसल शैला साहबा यहाँ जो कुछ फरमा रही हैं वो गलत बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं मुसलसल। इन्होंने सिर्फ, मैं इनसे परेशान नहीं हूँ, पूरी फैमिली ऑपोजिशन इनसे परेशान है। इन्होंने हमेशा जियालापन दिखाया है, ये उस जिस सीट पर बैठती हैं उस सीट का उन्होंने हक अदा नहीं किया। अच्छा अब्बासी साहबा, अब इसको सुलझाने की तरफ आइए ना, अब इस तरह से तो मामला नहीं सही रहेगा। उसामा साहब, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जी प्लीज प्लीज। पहली बात तो ये कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगी। एक ऐसी खातून जो अपना औरत कार्ड प्ले करके जूता निकाल ले, बाहर तक आ जाए, मैं नहीं समझती उस मेंबर के साथ बैठना चाहिए किसी को। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये सीधा बता रही हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा अब्बासी साहब, प्लीज सुन लीजिएगा, प्लीज सुन लीजिएगा। मैं औरत कार्ड खेलती हूँ, खातून कार्ड खेलती हूँ। इस वक्त जो है ये एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, इन्हें सिक्योरिटी नहीं हो रही। अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, और तो आपको है, आपको परेशानी है कि आगे जाके मेरा क्या होना है। मैंने इतना बुरा डिप्टी स्पीकर का किरदार अदा किया है कि आगे जाके मेरा होना क्या है। परेशानी तो इनको है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने अपना हक अदा किया, तो मैं बोल रही हूं यही वाली आवासी साहब, आप भी बात कंप्लीट कर लेने दें। सारी दुनिया ने देखा है कि ये वहाँ पर जियालापन दिखाती रही है, और जियालापन की वजह से इन्होंने पूरे मेंबर्स का हक मारा है। पार्टी एफिलिएशन तो होती है ना सबकी। जी शैला साहब, मैं एक बात कहना जी प्लीज। 5 साल में कभी भी ऑपोजिशन मेरे खिलाफ, किसी रूल के खिलाफ अगर मैं जाती तो ये लोग ऐसे नहीं थे कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लेकर आते। लेकिन मैंने कभी अगेंस्ट द रूल किया ही नहीं। हाँ, मैं रूल से स्टिक होकर स्टिक रहती हूँ। अगर मैं कभी भी अगेंस्ट द रूल जाती तो ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। इन्होंने मुझे खुद बताया कि मुत्तहिदा हमें इंस्टिगेट करती है कि शैला जब आए तो उसे तंग करो, इन्होंने मुझे बताया था। आज ये इससे भी झूठ बोल दे तो मैं समझूंगी कि वाकई ये फिर ये नुसरती हैं। नुसरत सर, अब्बासी साहिबा, ऐसा देखिए बात, वो भी आगा साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए कम से कम जूता तो नहीं उठाना चाहिए ना, और आप मजीद दें इस बात में कि जूता मारेंगी भी आप, उठाना तो चलो आपने उठा दिया। बात सुने, जिस दिन इन्होंने मारा ना इनके सर में बाल ही नहीं होंगे, लोग वहां पे भी कम नहीं है। हाँ हाँ, देखेंगे आपके बाल जितने बचे हैं ना, वो मेरे बाल भी उतने ही बचे हैं। तो आपने मारा ही नहीं ना मुझ पे। आप इसका फिक्र ना करें शैला साहिबा, आप अपनी फिक्र करें, आप आगे का फिक्र करें। मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही, मैं लोगों के बारे बहुत है, लोग अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद अपनी केयर कर सकती हूँ। मुझे परवाह नहीं है, मैं हक नहीं पर बोलते तो आपने नहीं दिखाया ना। हक के लिए बात की है, असेंबली में भी बात की, अपना किरदार निभाया। लेकिन हक सच के लिए भी जो है वो जूते नहीं उठाने चाहिए, जूते को नहीं लाना चाहिए। सियासत में पहले ही हम बहुत कुछ भुगत रहे हैं। आप अपने लोगों की खुदामत करके देख ले, आप इनका हाल ये। अब्बासी साहिबा, वन बाय वन बात करेंगे प्लीज, मुझे बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना है। शाह खावर साहब भी जो है वो हमारे साथ शामिल है, आगा साहब भी बैठे हुए हैं। आपको बता रही हूँ, आप दोबारा नहीं आएंगी, खुशामद करती रहे, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, अब आप इल्जामात लगा रही है, ये मुनासिब नहीं है इस तरह से। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने कमीज में बात कर रही थी,
मैं फिर भी एहतराम में बात कर रही थी लेकिन इन्होंने मुझे उकसाया कि मैं अब इनके ऊपर इनकी जात पे बात करूं। इन्होंने प्लीज पर्सनल नहीं होना, देखिए मैंने अब्बासी साहिबा प्लीज पर्सनल ना होइए, ये इस तरह का किरदार अदा करती रही है। उसामा साहब, अब्बासी साहिबा प्लीज सुनिएगा। जी 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 उसामा साहब, अभी भी ये दरमियान में बोल पड़े, इनमें बर्दाश्त ही नहीं है। मैंने कहा कि शुक्र है जूता चला नहीं, वरना वहां पे ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या करते। ये आज जूता मुझे नहीं दिखाया गया था, ये इन्होंने उनको मिनिस्टर साहब को दिखाया था, जो जिन्होंने इनका नाम लिए बगैर इन पे तनकीद की थी। मुझे नहीं दिखाया गया था। सुन लीजिए, वो यही शिकवा कर रही है कि आप सुनती नहीं है। ये मेरी रिवायत है कि मैं कर रही हूँ के साथ ऐसा, जब इन्होंने उनका दिखाया, ये मेरी तरबियत है फैला साहब के, मैं इनको खातून करा सकते, ये मैं आपको बता नहीं रख सकती, इनको कोई चुरा नहीं करा सकता। आपने मुझे वो जुमले कहे जो सामने यही समझाने की कोशिश कर, आपने मुझे कहा है कि गाना गा के आती है, गाना गाती है, मीडिया के लिए करती है। हमने बोला आपको कि मीडिया असेंबली में लाए, हमने कहा चैनल वो मना कर रही है, वो कह रही है उन्होंने नहीं कहा कि गाना गाने वाली बात। मैंने तो कोई भी ऐसी बात नहीं की, आप लोग तो सुन रहे हैं, रिकॉर्ड में पड़ा है, रिकॉर्ड में पड़ा है, आप लोगों ने कोई पड़ी हुई है। और मैं तो अपना काम करती रही हूं, मैंने तो कभी इनकी जात पर बात नहीं की, लेकिन इन्होंने हमेशा मेरी जात पे बात की। इन्होंने मुझे कहा कि दवाई हिलाकर नहीं पी के आई यार। वो कह रही है कि आप आपका झगड़ा जो है वो तमाम मेंबरान के साथ होता है। वो कह रही है कि आपका सिर्फ एक ही सबके साथ नहीं, आपकी मैं अब आसिफ साहिबा आपसे कह रहा हूं मैं कि शलदा साहिबा ये कह रही हैं कि आप जो है वो आपका झगड़ा जो है वो तमाम मेंबरान से होता है। देखिए जी, किस मेंबरान से होता है? जो लाजमी है बदतमीजी करेगा, जो मेरी जात पर आएगा उसी के साथ होता है, और किसके साथ होता है मेरा झगड़ा? असल में झगड़े की वजह ये बनती है, अगर ये सही तरह चलाए माहौल को, ये क्या करती है हमारी बात जायज बात को भी ये हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एमक्यूएम की 14 खवातीन का काम है एज अ स्पीकर कम बोलना, उसामा इनका काम है एज अ स्पीकर कम बोलना, और ये हमसे ज्यादा ये बोल रही होती है माइक में, हमसे ज्यादा जुमले इनके आ रहे होते हैं आपके रिकॉर्ड। अच्छा मुझे 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 सुनिएगा सुनिएगा बासित साहिबा, शलदा साहिबा, आखिरी कमेंट मैं आप दोनों से लूंगा, उसके बाद अजान की तरफ जाना है। शाह कावर साहब भी हमारे साथ, कामल यागा साहब भी हमारे, उनकी तरफ भी बढ़ना है। आखिरी कमेंट दीजिए और खुदारा कुछ अगर मामला ठंडा हो सकता है तो इसको जो है वो इस तरह से गर्म ना कीजिए, बल्कि इसके ऊपर जो है मिल बैठ के कोई इसका हल निकालिए, ना कि इस तरह से जो है वो झगड़ा किया जाए और सब लोग जो है वो इसका तमाशा देखें। शलदा साहिबा पहले आप और फिर नसर सर बासित साहिबा। मैं ये कह रही हूँ कि तहदा की 14 खवातीन है, दूसरी पार्टी की भी खवातीन है, इनकी अपनी मेहताब साहिबा है, कभी किसी से कोई बात नहीं हुई। मैं सिर्फ इनको ये समझा रही हूँ और बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ कि ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं जब आती हूँ, कितनी दफा इन्होंने मुझसे कहा है कि हमें मुत्तहदा ने कहा कि शैला को तंग करो, इन्होंने मुझे खुद बताया। हमारे ऐवान में जो अपोजिशन है उसका मसले है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि इनके अलावा जो खवातीन हैं उनसे कब अच्छा, शैला आपा सुनिएगा, इनको ये समझना चाहिए। रमजान का महीना है, बरकत महीना है, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दें। आप जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा करें, आप जिस सीट पर है उसका नुसरत सर अब्बासी साहिबा आप भी प्लीज मूव ऑन करें। इस बरकत महीने की जो है वो उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो गुजारिश है आपसे कि आप भी जो है वो गुस्सा थूकिए और दोबारा ये जूते और इस तरह की बातें जो है वो ना कीजिए, ताकि इस मामले को जो है वो यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। अब्बासी साहिबा, उसामा मेरा भी इनके साथ कोई ना झगड़ा था ना है, मेरा झगड़ा उसके साथ है जो बदतमीजी करेगा, जो खवातीन की बेइज्जती करेगा, वो आज या कल या कब भी वो जूता खाएगा, या इससे ज्यादा भी हम बढ़ सकते हैं। अब खवातीन इस चीज में बिल्कुल नहीं होगी कि हर खातून की अपनी इज्जत है, उसका एहतराम है, उस चीज को चले, दोनों का कोई झगड़ा नहीं है तो फिर सुलह है आप दोनों की। आप अपने अपने मौकमे की बात करें। अब्बासी साहिबा, अब्बासी साहिबा फिर जाने दें इसको, अब सुने ना, अब फिर आप सुलह करें दोनों, फिर अगर आपका मामला कुछ भी नहीं है। वो भी कह रही है कि मेरा इनके साथ क्या झगड़ा है, शैला आपा झगड़ा खत्म कीजिए। मेरा तो झगड़ा ही नहीं है, मैं तो इनकी सुलह करा रही थी जिनको ये जूता। चले आपस में तो सुलह कर लेना शैला आपा, आपस में तो सुलह करें आप। अब्बासी साहिबा, अब मैं फोन पे आप दोनों को गले नहीं मिलवा सकता। नहीं नहीं, मेरा तो किसी से झगड़ा नहीं है। अब्बासी साहिबा,
जमाने पे जो इन्होंने हाउस में दिखाया है लोगों को। उसामा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे अजान की तरफ भी जाना है। एक मिनट उसामा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। शिकवे बहुत हो गए अबासी साहब, शिकवे बहुत हो गए। नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि खुदा ना खासा हमारी कोई जाती दुश्मनी हो गई है, हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। असेंबली में जो माहौल होता है, जिस तरह का रवैया होता है, वो वहीं खत्म हो जाता है। बाहर हम जब आते हैं तो खुदा ना खासा हम जाती दुश्मन नहीं हो जाते हैं वहाँ, जिस तरीके से। आज का दिन तारीखी है कि एक औरत ने जूता खामा खा निकाला और असेंबली का ऐवान का आज अगर ये तारीखी है तो ये भी तारीख होगी कि एक स्पीकर ने खातून होने के नाते दो खवातीन को मेरे ऊपर। अच्छा अब फिर वो शिकवे ना कीजिए ना, ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब फिर आप उस तरफ जा रहे हैं, ना करें। मैं तो रोकने आई थी इन्होंने, उन्होंने आप रोकने आई थी, आप जरा उन लोगों के आसपास जिन्होंने गालियां सुनी है। अच्छा मुझे ब्रेक में जाना है, एक अजान अजान का वक्फा है, ब्रेक में जाना है, वापस आते हैं बात करते हैं। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, शाह खावर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ पर 4.9 अरब डॉलर की भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, कायमा कमेटी ने चेयरमैन नैब को तलब किया है। हजूर कहां तक मामला जाएगा, क्या देखते हैं, क्योंकि चेयरमैन नैब तो सारे मामले के ऊपर जो है वो आने के लिए भी पहले तैयार नहीं थे। क्या बुलवाया जा सकता है उनको लीगली, और क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल करीब में इस हवाले से? देखिए ये जो नैब ऑर्डिनेंस है 1999, इसमें एक है जिसमें यह लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब या उनका कोई भी ऑफिसर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको सरकारी फराइज की अंजाम दही के सिलसिले में उनको किसी अदालत में भी बुलाया नहीं जा सकता, उनको कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो व्हाट टू टॉक अबाउट कॉलिंग हिम इन अ सिलेक्ट कमेटी या किसी पार्लियामेंट की कमेटी में बुलाया जाए? देखिए बात यह है कि हर इदारे के अपने हदूद और कयूद मुतय्यन हैं। ठीक है, पार्लियामेंट जो है उनकी खसूसी कमेटियां जो हैं वो रूटीन मैटर्स में, उनके डे टू डे जो मैटर्स होते हैं उसमें लोगों को बुला सकते हैं, उसमें मिनिस्टर्स को भी बुला सकते हैं, उसमें फेडरल सेक्रेटरीज को भी बुला सकते हैं, इदारों के चेयरमैनों को भी बुला सकते हैं। और वो इसलिए कि वो उनकी इंतजामी उमूर की वजह से कोई ऐसा क्वेश्चन हो। लेकिन एक जब कानून में एक का किसी को इस्तेसना हासिल है कि, क्योंकि अगर देखा जाए तो चेयरमैन नैब को जाती तौर पर बुलाने के क्या जवाब बनता है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक कंप्लेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कराया, उन्होंने ऑर्डर किया। ठीक है, उस पर इस हद तक जरूर बात हो सकती है कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज के ऊपर आप उस जिसके खिलाफ आपने वेरिफिकेशन करनी है, जांच पड़ताल करनी है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रेस रिलीज जारी करें, क्योंकि वो एक बिल्कुल इब्तदाई स्टेज होती है। इस हद तक बात ठीक है, लेकिन अगर उनको इसलिए बुलाया जाए कि आपने एक मैटर को जो कि चेयरमैन नैब के नोटिस में आया, उन्होंने उसको कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लिए क्यों भेजा, ये तो एक लॉफुल एक्ट है और उसी कानून में उनको इस्तेसना हासिल है कि उनका कोई भी ऐसा काम जो कि सरकारी हैसियत में किया हो उस पर न किसी अदालत में तलब किया जा सकता है, न उनसे ये सवाल किया जा सकता है। आगा साहब, क्या प्रेशराइज करने के लिए जो वो बुलवाया जा रहा है चेयरमैन नैब को? देखें इसमें इम्प्रेशन तो यही आएगा ना जी, जाहिर है। और जहां पे कमेटी का सरबरा जो है वो उसी जमात का हो जिसकी जिस लीडर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है नैब के अंदर, तो उसका मतलब तो यही लिया जाएगा कि वो प्रेशराइज करने के लिए है। वैसे मैं समझता हूं कि कानून के अंदर जो इस्तेसना होती है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के तहत अगर है तो उसके बाद उसी पार्लियामेंट की कोई जो कमेटी है वो उसको बुलाएगी, तो वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। पार्लियामेंट के लिए भी अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उसी कानून के अंदर अगर कोई इस्तेसना मौजूद होता है तो उसी पार्लियामेंट की एक कमेटी को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो उस इस्तेसना को ख़त्म कर दे। मैं समझता हूँ या फिर लेजिलेशन कर लें, दोबारा लेजिलेशन ले आए, कानून के अंदर तरमीम कर लें, तरमीम करने के बाद ये ले आए कि वो कमेटी जो है वो बुलवा सकती है और पूछगिछ कर सकती है। वैसे तो मैं समझता हूँ इतनी इब्तदाई स्टेज के अंदर और ये एतराज़ करना कि किसी मीडिया रिपोर्ट के ऊपर वो इंक्वायरी क्यों शुरू की गई या उसकी प्रोबिन
کیوں کیا جا رہا ہے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے یہ حماقت کے زمرے میں آئے گا یہ تحقیقات کرنی ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا پارلیمنٹری روایات کے مطابق نہیں ہے یہ پارلیمنٹری روایات کو مسخ کرنے کے بلکل ٹھیک ہے شاہ خاور صاحب کا طریقہ کار ہوگا شاہ خاور صاحب یہ آرٹیکل سکس کی بات کی جا رہی ہے پر وہ کیا جائے کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے ڈان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ پھر ساتھ ذرا وہ ساری چیزیں بھی ذہن میں رہیں کہ جو جنرل محمود درانی کی بات بھی کی جاتی ہے انہوں نے بھی یہی بات کی ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی یہی کہا ڈی جی ایف آئی نے بھی یہی کہا رحمان ملک نے بھی یہی کہا کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو قانون کی نظر میں دیکھیں اگر ان کے اس بیان کو اگر دیکھا جائے جو انہوں نے ایک اخباری نمائندے کو دیا اور وہ چھپا بھی تو اس کے متن سے ٹھیک ہے وہ ایک غیر مناسب بات ضرور ہے بلکہ انتہائی غیر مناسب بات ہے کہ ایک تین دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ایک ایسا بیان جاری کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک میں بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے جو نریٹیو تھا وہ آج درست ثابت ہو گیا Absolutely. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن اگر اس کے متن کو دیکھیں تو آرٹیکل سکس کے کانٹینٹس کو دیکھیں تو آرٹیکل سکس جو ہے وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو شخص آئین کو توڑے گا اس کو مسخ کرے گا اس کو ابینس میں رکھے گا اس کو ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کی معاملت کرے گا کوئی تو اس پر آرٹیکل سکس جو ہے وہ لاگو ہوگا جس کے تحت وہ سنگین غداری کا مقدمہ اس پہ چل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متن سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی کہ جس سے میری نظر میں آرٹیکل سکس جو ہے اس پہ اٹریکٹ ہوتا ہو ہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا کسی اور قانون میں جو ہے کوئی ایسی خلاف ورزی ان کی جو بیان ہے اس سے تو نہیں پائی جاتی لیکن یہ کہنا کہ ان پہ ڈائریکٹ آرٹیکل سکس اس بیان کی وجہ سے لگ جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کے مطابق یا یہ ایک قانونی مطالبہ نہیں ہوگا بالکل ٹھیک ہے آغا صاحب آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اندر آج کیا جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں لیکن سب سے پہلے میں شاہ خاور میرے بھائی ہیں اور میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے لیکن شاہ خاور سے میں ایک سوال کروں گا کہ آرٹیکل فائیو اگر آپ پڑھیں تو کیا وہ پابندیاں جو اس کے اندر متعین کر دی گئی ہیں ان کو اگر کوئی ان کے اوپر پابند نہیں ہوتا آفیشل کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اور پھر یہاں پہ تو ایک اس سے بھی بڑھ کے بات ہے کہ ایک جھوٹ کو سازش بنا کے اور الزام بنا کے افواج پاکستان کے اوپر ایک قومی سلامتی کا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے اس ماحول کے اندر جبکہ پوری ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہو کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا دی جائیں اور اس کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا جائے اور پہلے سے ہی ایف اے ٹی اے ایف والی جو گرے لسٹ ہے اس کے اندر پاکستان کو شامل کیا جا چکا ہو اور اشارے مل رہے ہوں کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے کے اور دہشت گردی کی حمایت کرنے والا ملک جو ہے وہ قرار دے کے اس کو بلیک لسٹ کے اندر شامل کر لیا جائے اس کا معاون اور اس کا جو ہے وہ محرک بن جانا اور وہی نیریٹیو جو دشمن کا نیریٹیو ہے اس کو پروان چڑھانا اور یہ کوشش یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوا کے اس کے بعد پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کی طرف بڑھا جائے رائٹ شاہ خاور صاحب جی سینیٹر آغا صاحب جو ہیں یہ میرے بڑے سینئر ہیں اور میں ان کا لیگل ایکیومن اور ان کی جو عقل و دانش ہے ان کا میں بہت بڑا قائل ہوں اور بہت بڑا قائل انہوں نے بالکل ایک بات بالکل ٹھیک کہی کہ آرٹیکل سکس سے پہلے آرٹیکل پانچ آتا ہے آرٹیکل پانچ کہتا ہے کہ ریاست کی وفاداری ہر شہری کا فرض اولین ہے اور آئین اور قانون کی پاسداری کرنا بھی ہر شہری کا جو ہے وہ فرض اولین ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اگر اس کو سیکوینس وائز دیکھا جائے تو آرٹیکل فائیو کے بعد سیکوینس وائز آرٹیکل سکس آتا ہے اس میں بظاہر تو یہ بات لگتی ہے لیکن میں آغا صاحب سے ایک بات شیئر کرتا چلوں جی کہ ایک دفعہ ایک مقدمے میں میں پیش ہوا جی جی کہ جس میں افتخار چوہدری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہو رہے تھے میں اس وقت لا آفیسر تھا تو ہمیں بلایا گیا تھا کہ
बहुत शुक्रिया आपका शाह खावर साहब, थैंक यू सो मच कमल लगा साहब। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।